वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आज लेकर आया हूँ चंद्रयान टू से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स आज आप इस वीडियो में जानेंगे चंद्रयान टू से रिलेटेड कुछ इंग्लिश वर्ड्स और चंद्रयान टू के बारे में। तो फ्रेंड्स बढ़ते आगे और लेते हैं इस वीडियो को। चंद्रयान टू, सबसे पहले आप समझते हैं कि ल्यूनर, ल्यूनर मीन्स होता है चांद। जैसे कि हम आप पढ़ते चले आए हैं मून मीन्स होता है चांद, लेकिन वैज्ञानिक भाषा साइंटिस्ट लैंग्वेज में मून को ही ल्यूनर बोला जाता है। ल्यूनर मीन्स होता है चांद। उसी प्रकार से सन मीन्स होता है सूर्य, और साइंटिस्ट लैंग्वेज में यानी कि वैज्ञानिक भाषा में सोलर बोला जाता है। और नेक्स्ट वर्ड है एक्लिप्स। एक्लिप्स मीन्स होता है ग्रहण। जैसे कि आपने सुना होगा कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये आप जानेंगे आज। ल्यूनर एक्लिप्स मीन्स होता है चंद्र ग्रहण, और सोलर एक्लिप्स होता है सूर्य ग्रहण। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। साउथ पोलर रीजियन। साउथ मीन्स होता है दक्षिण, पोलर मीन्स होता है ध्रुवीय, और रीजियन मीन्स होता है क्षेत्र। अब आप समझेंगे कि ध्रुवीय क्या होता है। इस चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। माना कि ये मून है यानी ल्यूनर है। अब ल्यूनर अपनी एक धुरी पर यानी कि अपनी एक स्थिति में घूम रहा होगा, उस घूमने की धुरी को, क्योंकि वो एक ही धुरी पर घूम रहा होगा, भले ही वो अर्थ का राउंड कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है, लेकिन घूम एक ही धुरी पर होगा, तो उस धुरी को बोला जाता है पोल, और उस धुरी के क्षेत्र को पोलर बोला जाता है। इसलिए यहाँ पर पॉलर का यूज किया गया है। पॉलर रीजन यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में बात की जा रही है? दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र। ल्यूनर मिशन, हमारा चंद्रयान टू एक ल्यूनर मिशन है। जो ल्यूनर मिशन यानी चांद पर जाने का एक मिशन, ये हमारा बहुत ही बड़ा मिशन है। मिशन मीन्स होता है कोई खास काम या विशेष काम। ल्यूनर मिशन, चांद पर जाने का मिशन। नेक्स्ट वर्ड ग्रेविटी एंड थ्रस्ट। गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण और दबाव। गुरुत्वाकर्षण और दबाव यानी कि गुरुत्वाकर्षण दबाव। ग्रेविटी को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ वर्ड दिए हैं जिसके माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ग्रेविटी मीन्स अपनी तरफ खींचने वाली ताकत को ग्रेविटी बोला जाता है। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने वाली ताकत को बोला जाता है। ग्रेविटी एंड थ्रस्ट। थ्रस्ट मीन्स दबाव या प्रेशर, जो किसी भी ग्रह की एक दबाव होता है, उसका प्रेशर होता है ग्रेविटी का, उसे थ्रस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट सोलर। सोलर मीन्स सूर्य, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा। सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा। हमारा चंद्रयान जब स्पेस में गया तो वो वहां पर अर्थ का चक्कर लगाएगा। पहले अर्थ के ऑर्बिट में जाएगा। ऑर्बिट मीन्स एक जगह होती है, इसी तरीके से अर्थ की ऑर्बिट होगी, और ऑर्बिट में इस चक्कर लगाना भी होता है। तो इस तरीके से इस जगह पर ऑर्बिटर राउंड करता है, और ऑर्बिटर से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जा सकती है कि किस तरीके से लैंडर उस पर पहुंच रहा है और कैसे लैंड करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से पोल है, और ये जो जगह होती है राउंड होती है, तो ये ऑर्बिट स्पेस होता है, और यहाँ पर ऑर्बिट मीन्स राउंड किया जाता है। कोई भी चीज जब पहुंचती तो इस तरीके से पहुंचाई जाती है ताकि वो आसानी से सतह पर पहुंच सके। यहां पर पहुंचने के लिए ऑर्बिटर में कुछ सोलर पैनल्स होते हैं, जिसके माध्यम से वो एनर्जी लेते हैं, यानी कि सूर्य की एनर्जी सोलर पैनल के द्वारा वो लेते हैं, और उसी वजह से वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी फ्यूल नहीं होता है, और इतना सारा फ्यूल नहीं उसमें भरा जा सकता है, इसलिए उसमें सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं ताकि वो एनर्जी ग्रहण करता रहे और उससे वो चलता रहे। नेक्स्ट वर्ड रिसर्च एंड डिस्कवरी। रिसर्च
एंड डिस्कवरी शोध और खोज, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। रिसर्च वो चीज होती है जो पहले से कोई चीज है और उसके बारे में और जानकारी जुटानी हो तो वहां पर हम रिसर्च करते हैं, लेकिन डिस्कवरी वो चीज है कि कहीं पर कोई भी चीज थी ही नहीं लेकिन कोई नई चीज हमें मिली है तो उसे हम डिस्कवरी बोलते हैं, यानी कि नई चीज खोजी हो तो उसे हम डिस्कवरी बोलते हैं, और जो चीज पहले से हो और उसको हमने और बेहतर तरीके से जाना है या उसमें और भी चीजें हमने जानी है तो उसे हम बोलते हैं रिसर्च। नेक्स्ट है क्रिएटर्स एंड सरफेस। क्रिएटर्स एंड सरफेस खंड और सतह, सरफेस को सतह बोला जाता है और क्रिएटर्स खंड या हिस्सा, पहाड़ पत्थर या इस तरीके से जो भी चीजें होती हैं उन वहां के हिस्से को हम क्रिएटर्स बोलते हैं। किसी भी ग्रह की कोई भी चीज हो छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा किया जाता है ताकि उस पर कोई रिसर्च की जाए या डिस्कवरी की जाए, इस तरीके से वो मिट्टी भी हो सकती है, पत्थर भी हो सकता है या पहाड़ से रिलेटेड कोई चीज हो सकती है। टेरिफाइंग 15 मिनट्स, ड्रावनी 15 मिनट। जैसे कि चंद्रयान के टाइम पर जब वो लैंड हो रहा था उस समय सभी की आंखें टीवी स्क्रीन पर लगी हुई थी, सभी लोग देख रहे थे कि किस तरीके से लैंडर लैंड करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, तो उस समय जो लास्ट के 15 मिनट्स थे वो बहुत ही उत्सुकता भरे थे, यानी कि बहुत ही उत्सुक थे सभी लोग और डरावने में ही थे कि क्या होगा अब इन 15 मिनट में। इसी तरीके से वो 15 मिनट्स लिए गए हैं, टेरिफाइंग 15 मिनट्स, डरावने 15 मिनट। नेक्स्ट वर्ड टच डाउन। टच डाउन मीन्स नीचे उतरना, नीचे उतरना। एक होता है सॉफ्ट लैंडिंग, आराम से उतरना। जब कोई चीज आराम से उतरती है या आराम से उतारते हैं उसे सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं, लेकिन जब कोई चीज अपने आप से उतरती है या उसे उतारते हैं और उसमें कोई जोखिम हो, यानी कि लैंड तो हो रहा है लेकिन वो जोखिम भरा लैंडिंग हो रहा है, तो वहां पर बोला जाता है टच डाउन, यानी कि खतरे से भरी हुई लैंडिंग, उसे टच डाउन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हिस्ट्रिकल वयाग, ऐतिहासिक यात्रा। जब कोई ऐसी यात्रा यानी कि इतिहास रचने वाली कोई यात्रा उसे हम बोलते हैं हिस्ट्रिकल वयाग। अब आप समझेंगे यहां पर कि एक जर्नी भी यात्रा होती है और वयाग मीन्स भी यात्रा होती है। जब कोई लंबी यात्रा होती है तो उसको वयाग बोलते हैं, लेकिन जब कोई छोटी यात्रा होती है तो उसके लिए जर्नी बोला जाता है। अब ये यात्रा तो बहुत ही लंबी है, महीनों की, कई दिनों की भी हो सकती है, इसलिए इसको हम वयाग बोलते हैं, और जब छोटी सी यात्रा होती है तो वो जर्नी बोला जाता है। लेते हैं कुछ और भी मीनिंग्स। पोलर ध्रुवी है, ये पोल है तो इसको पोल बोलेंगे, लेकिन पोलर को ध्रुवीय बोलते हैं। मिशन मीन्स खास काम या विशेष कार्य। रीजियन क्षेत्र होता है जो एक हिस्सा हो, जैसे कि साउथ रीजियन, दक्षिणी क्षेत्र या उत्तरी क्षेत्र, इस तरीके से इसको रीजियन बोला जाता है। अब कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसको एरिया क्यों नहीं बोलते हैं। जब किसी ग्रह के बारे में बात की जाती है, उसके स्पेस के बारे में बात की जाती है, उसके क्षेत्र के बारे में बात की जाती है, तो उधर पर रीजियन का यूज किया जाता है। ऑर्बिट, ऑर्बिट मीन्स होती है कक्षा। कक्षा कोई पढ़ने वाली कक्षा नहीं, कोई स्कूल वाली कक्षा नहीं, कक्षा यानी कि वो अपनी एक जगह पर घूम रहा है। जैसे यहाँ पर एक जगह पर अपने पे वो घूम रहा है, अपनी एक जगह पर घूम रहा है। माना कि ये मून है और कोई यहाँ पर एक ग्रह, कोई भी एक ग्रह इसका चक्कर लगा रहा हो और वो सेम टू सेम उसी जगह पर घूम रहा हो तो उसे बोलते हैं ऑर्बिट। और ऑर्बिट, ऑर्बिट मीन्स घूमना भी होता है और उसको कक्षा भी बोलते हैं, उसकी जगह भी बोलते हैं, कि वो एक ही जगह पर एक ही तरीके से घूम रहा है। नेक्स्ट वायर बहुत लंबी यात्रा, जर्नी छोटी यात्रा। ग्रेविटी अपनी तरफ खींचने वाली ताकत, उसे ग्रेविटी बोला जाता है। क्रेटर्स खंड, हिस्सा या पहाड़, कोई भी हिस्सा भी हो सकता है क्रेटर्स। सरफेस सतह होती है,
डेंजरस और टेरिफाइंग, हॉरिबल, फियरफुल, इन सभी को डरावना बोला जाता है। डरावना यानी कि भयभीत करने वाला। तो इस तरीके से ये थी आज की जानकारी चंद्रयान 2 के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, यदि आप इसी प्रकार की और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही और अभी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।